एक्चुअली जब हम छोटे थे तो जब बड़े हुए तो ये कहानी सुनते हुए बड़े हुए, और जब इसके ऊपर काफा, ये वो विषय है जिसके ऊपर ना सिर्फ हिंदुस्तान में पर बाहर भी इस पर बहुत चर्चा तब से 84 से लेकर अब तक होती आ रही है। तो जब ये सब्जेक्ट देखा, हम लोगों ने सुना इसके बारे में, फिर हम लोगों ने उन विक्टिम से मुलाकात शुरू करना किया। आपका दिल्ली में देखें तो एक छोटी सी कॉलोनी, उसे हम विधवा कॉलोनी कहते हैं, जहाँ सिर्फ 84 की विधवाएं रहती हैं, उनके साथ मिलना, उनका एक्सपीरियंस सुनना, उनका शेयर करना, फिर उस टाइम के जर्नलिस्ट, वो ऐसे ऐसे वाक्या सामने आए कि एक हमारा मुलाकात ऐसी फैमिली से हुआ कि वो दिल, जो कहानी थी वो दिल को छू गई। तो हमें लगा वो कहानी एक दिन की है जो हमें दिखानी चाहिए, और वो 31 अक्टूबर की रात की कहानी थी, सुबह से लेके अगले दिन सुबह तक की। तो हमने उस कहानी को लिखना शुरू किया, काफ़ी सारा रिसर्च वर्क गया इसमें, ऑलमोस्ट 6-8 महीने गए और हम लोगों ने वो कहानी लिखी फिर, और पर्दे के ऊपर बढ़ाया। हमने काफ़ी मेहनत किया क्योंकि 84 उस समय और आज के टाइम में बिल्कुल अलग है। दिल्ली उस समय बिल्कुल सिंपल सीधा हुआ करता था, आज सड़कें, नई नई गाड़ियाँ, तारें, वायर्स, सब कुछ चेंज हो चुका। तो हम लोगों ने लुधियाना में जाके एक सेट बनाया जो 84 पुराने दशक में आपको ले जाता है, 3 दशक पुराने ले जाता है। अब वो एरा फिर से जी सकते हैं, वही स्वभाव, वही खाना, वही कपड़े और वही माहौल, आपको देख के लगता है आप 84 में पहुंच गए हैं, और वो फीलिंग लेना एक बहुत ही अपने आप में एक बड़ी कोशिश है। हम लोगों ने फिर सेंसर के लिए भी काफ़ी दौड़ धूप किया, बट फॉर्चुनेटली सेंसर भी मिल गया है और हम अपनी फिल्म 31 अक्टूबर रिलीज़ करने वाले हैं। कितना डिफिकल्ट था ये रिवाइव करना 1984 जो उस एरा को एक बार? ये बहुत मुश्किल था, मतलब इतना डिफिकल्ट था कि हम लोग को 3-3 आर्ट डायरेक्टर लेने पड़े। लेकिन एक हैरानगी की बात है, जब हम शूट कर रहे थे दूसरे हफ्ते के दौरान हमारे सेट को आके तहस नहस कर दिया गया। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्यों किया, किस लिए किया। हमें वो सेट बनाने के लिए फिर से हमारे को 1 महीना और वेट करना पड़ा और सेट फिर से क्रिएट करना पड़ा। इस बार हमने पुलिस सिक्योरिटी और आसपास के गाँव वालों की मदद ली, क्योंकि गाँव वाले भी बड़े, जब उन्हें पता लगा इस सब्जेक्ट पर फिल्म बन रही है तो हमारी शूटिंग रात को हुआ करती थी, आप विश्वास नहीं करेंगे, रात को अपने घरों से लस्सी बना बना के लाके हमको, हमारे एक्टर्स को, हमारी यूनिट को पिलाते थे और रात भर शूटिंग देखते थे, छतों पर चढ़ के और तालियां बजाते थे। इतना प्रोत्साहन जब मिला तो हम लोगों को दोबारा सेट बनाने पे मजबूर हुए और हमने फिर वही फील लेके सेट बनाया और फिल्म बनाई। और हमारा एंड फेस्टिवल में भी हमारी फिल्म गई और वहाँ पे हमारा टोरंटो, लंदन, वैंकूवर जहाँ फिल्म गई वहाँ हमारे को स्टैंडिंग ओवेशन तक मिला इस फिल्म के लिए और काफ़ी तारीफ हुई है। और सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो थी आशीर्वाद इतने बड़े महान लेजेंड का, वो हमको मिला है। मेरे ऊपर गुरु नानक जी का आशीर्वाद हो रहा है। बिल्कुल, आपको गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी के को रहीम खां और करीम खां जो सिपहसालार थे, वो उनको और उनके बेटे को पालकी में बिठाल के लाए और लोगों से कहा कि हमारे पीर आ रहे हैं। मालूम है ये बात? जी बिल्कुल। दूसरी बात ये कि मालियर कोटला का जो नवाब था उसने बराबर साथ दिया है जी, और आज तक मालियर कोटला के जो बहुत बड़े बड़े उस्ताद हुए गाने बजाने वाले वो वहाँ से हैं। और मैं समझता हूँ ये जो प्लेबैक सिंगर है, क्या नाम है उसका, पंजाबी प्लेबैक सिंगर सुखविंदर या दिलेर मेहंदी, गुरदास मान, सुखविंदर, वो भी मालियर कोटला का ही है। हाँ जी बिल्कुल। तो वो मुझसे उसने कहा कि जब आप वहाँ आए थे दुर्गाना मंदिर में अमृतसर, तो मैं बहुत छोटा था, आपके पास बैठा हुआ था। बहरहाल ये है कि हमारे यहाँ कोई तिफरका नहीं है, लेकिन अब मैं समझता हूँ मुझे भी आपको भी सबको भी पैसे चाहिए, दौलत जितने ज़्यादा लालची हो गए, ये नहीं है कि भाई आज आप कैसे रहते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या अगर अच्छे कपड़े पहने हैं तो दूसरों के ऊपर रुआब जमा रहे हैं, ऐसा नहीं। पहले हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, अच्छे से अच्छे लोग जो थे सिंपल। आज ये देखिए आप अंग्रेजी लिखा हुआ पहने बैठे हुए, क्या क्या पब्लिसिटी हो रही है, अमेरिका का कुछ लगा हुआ है, इंग्लैंड का कुछ है, जर्मनी का कुछ है। दूसरी नहीं, दूसरी चीज़ ये हमारे कल्चर से अलग है। आज फटा हुआ पैंट पहने हुए हैं जी, ये इससे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें, मालिक ने बचाया है, निकाला है जी। हम फिर उधर ही जा रहे हैं या अमेरिका पे और अंग्रेजों के ऊपर फेंक दो ना, उनको भीख मांगने दो, तुम क्यों आ रहे हो फिर उसी जगह है जी, क्या ये निकाल देना भीख नहीं, 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 अंग्रेज लोग तो मैं तो फॉरेन कंट्रीज भी जाता रहता, लेकिन यह है, ये हकीकत है। मुझे अपने देश से इतनी मोहब्बत है
कि मैं जैसी ये फटी हुई पैंटें और ये सब छपा हुआ जो है ये मुझे अच्छा नहीं मालूम होता, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, चाहे मेरे बेटे पहने हो और आप लोग भी मेरे बेटे ही हैं, अभी ऐसी क्या बात है जी। अभी एकता की बात जो है वो ये है कि यहाँ जितनी जितनी लड़कियाँ हैं वो मेरी बेटियाँ हैं, जितने लड़के हैं बेटे हैं, जो उनसे बड़ी हैं वो मेरी बहनें हैं, बहनें हैं मुझसे बड़ी हैं वो मेरी माएँ बहने हैं, तो ये तो सच बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास सीखने जो आते हैं वो हमारे बेटी बेटे हैं, बात खत्म हो गई। हैरी जी, आपने कैसे उस्ताद साहब को इस गाने के लिए, मौला के लिए अप्रोच किया, क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट 23 इयर्स से गाया नहीं। अगर आपको कुछ कट करना हो तो निकाल देना जी 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 पापा, आप बोलते रहिए, वो लोग एडिट कर लेंगे। मैं अपने दिल का के दिल के जो भाव हैं जी आज इस फिल्म के जरिए से कह रहे हैं, निकालने का मौका मिल रहा है। बहुत बड़ी बहुत अच्छी बात जी, बहुत, क्योंकि ये फिल्म इन्होंने जो बनाई है उसका नाम सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि भाई कोई तो ऐसा निकला है जिसने ऐसी बात कही कि भाईचारा जी ये एक सब्जेक्ट है जो पहले था और उसके ऊपर बहुत मिट्टी पड़ गई है जी, अच्छा नहीं है। आपने कैसे सर को अप्रोच किया इस गाने के लिए, क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट 23 इयर्स से मूवीज में नहीं गाया है, तो आप कितने कॉन्फिडेंट थे और कैसे अप्रोच किया? जी, मेरा तो सबसे बढ़िया जरिया जो रहा वो रहा हमारे म्यूजिक डायरेक्टर विजय वर्मा साहब, तो हमने विजय वर्मा साहब से बोला हमें एक लेजेंड चाहिए, इंडिया का सबसे बड़ा लेजेंड, जो सबसे बड़ा लेजेंड हो वो बताइए। इन्होंने कहा एक बहुत बड़े उस्ताद साहब हैं जो सोनू जी या शान साहब या रहमान साहब उनके गुरु रह चुके हैं, और उनके गुरु रहने आज भी उनके गुरु हैं, आज वो आज भी आके तालीम लेते हैं सर से, तो जो इतने बड़े बड़े शख्स तालीम लेते हैं सर से, उससे बढ़िया नाम तो ना मेरे जहन में था और सर के जहन में था, तो मैं सारा क्रेडिट विजय वर्मा जी को दूंगा गुलाम साहब से मिलवाने का और गाना गवाने का। इतना ये तो कॉन्फिडेंस मुझे था कि ये गा लेंगे, मुझे सिर्फ इतना था कि ये गाएंगे क्या। हाँ भाई, मेरे लिए बिकॉज इनका जो लेवल है उस हिसाब से मैं अभी बिल्कुल भी काम सिर्फ काम के माध्यम से ही वहाँ पहुँच के और काम सुना के ही काम ले सकता था, तो मैंने फिर अप्रोच किया और अप्रोच किया, गाना सुनाया, गाना सुनने के बाद गुरुजी ने कहा कि मैं गाऊंगा, मुझे अच्छा लग रहा है, और फिल्म के सब्जेक्ट के बारे में पूरी डिटेल जब मैंने बताई तब तो इनका और भी जुड़ाव हो गया। इन्होंने कहा 31 अक्टूबर का सब्जेक्ट इतना अच्छा है कि इसके लिए एक गाना बनता ही है, और सिख दंगों पर आधारित फिल्म में एक सूफी गाना एक उस्ताद जी गा रहे हैं, मतलब ये अपने आप में एक कमाल की बात है, हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उसको दिखाने का इससे बेहतर और कुछ माध्यम हो ही नहीं सकता था। सर, इस गाने के बारे में थोड़ा और बताइए मौला। ये गाना आपको कहूँ सूफी से ज़्यादा मैं ये कहूँगा ये एक नातीय कलाम है, नात है, प्रेयर है, हमद है, मुअज्जम अज़्म ने लिखा है, इसकी लिरिक्स लिखी है, और इट्स अ प्रेयर टू गॉड, इट्स अ प्रेयर टू गॉड, कंपोज मैंने किया है और बाकी काफ़ी सारे म्यूजिशंस का साथ है इसमें, अजय मिश्रा ने इसकी म्यूजिक प्रोड्यूस की है, बाकी बहुत सारे म्यूजिशंस साथी हैं हमारे जिनके साथ मिलके इसको किया गया है, तो गाना अच्छा बन पड़ा है। मैंने खुद भी गुरुजी के पीछे पीछे एक दो लाइनें मैंने भी गाई हैं, ये मौका नहीं छोड़ना चाहता था मैं, तो वो आशीर्वाद भी मिला है मुझे गुरुजी से। सुपर।